मैं गाड़ी को बिस्कुट दे रहा हूँ। बिस्कुट बिस्कुट कौन दे रहा है? बिस्कुट 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 खाने के लिए बच्चों को। ये एक एक गाड़ी वाड़ी आ रही बता, इधर आ जाओ साइड में हो जाओ। चलो आ रहा बाजी एक आ रहा। तुम्हारा हाथ का इलाज करवाना है। अरे दिक्कत वाली बात नहीं, क्या करते हो इस तरह से कुर्ता पहनते हो? हाँ बता बता। कोई बात नहीं, ये भी कला है तुम्हारी। बच्चों के लिए मानो भाई चोरी। हाँ नहीं नहीं चोरी करने में मारते। हाँ सही सही जरूर मांगता हूँ। चलो 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 ठीक है आपको। अरे चलो तुम स्टार्ट करो भैया पहले। इस हाथ को क्या करता है इधर से? हाँ ये इसको ऐसे करके दबा लेगा और फिर ये पूरा अच्छा करके बता ये रबर क्यों है? रबड़े बाबू क्या इसको भी करके बता ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ है तो इसमें तो पकड़ में आ जाएगा। और इस तरह से क्या दिखता है कि हाथ नहीं है और लोग खाने का हाथ नहीं बाबू जी कुछ खाने का पकड़। अच्छा और लोगों से बाबू तो यार तुम तो जवान हो, तुम तो कमा भी सकते हो। तुम्हें पता है ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो जो 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 स्वावलंबी होते हैं। भैया तुम दिव्यांगों का अपमान कर रहे हो जो स्वावलंबी होते हैं जो मेहनत से खाते हैं। ये कौन सा तरीका है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बाबूजी दो लड़की है। बाबूजी कहाँ है वो दोनों लड़की? गांव है हमारे। गांव कहाँ है तुम्हारा? गांव गांव कोटा बाबूजी। कोटा बाबूजी। अच्छा तो तुम्हें ऐसे कितने अलग अलग तरीके होंगे? हाँ नहीं नहीं कोई हमारे साथ है धंधा करे धंधा करते ना वो हमारे साथ है बाबूजी। राजगिरी कुत्ता खाएगा। तो दोस्तों देखो जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरह से नकली हाथ ये लगाते हैं और रबड़ से अपने ही हाथ को पेंट में इस तरह से कसते हैं रबड़ के माध्यम से कि कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको दया आ जाएगी और इन्हें पैसे दे देगा। लेकिन ये इस तरह के जवान हैं कि ये खुद कमा सकते हैं और ये दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हैं कि भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पता है तुमको एक बिस्किट का पैकेट दिया था एक आदमी ने इस उम्मीद से दिया था कि तुम दिव्यांग हो दिया था। ये घटना दिनांक 13 अगस्त की है। मैं LIG चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था तभी मैंने देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति है जो लोगों से मतलब भीख मांग रहा था। लेकिन उसका जो तरीका इस तरह का था कि कोई भी आदमी जो भी दयालु है और वो जो उसकी भावनाएँ अगर जुड़ी है असहाय के प्रति तो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। तो मैं उसके पास गया कि मैंने कहा भाई साहब यदि आपका हाथ नहीं है तो कुछ संस्थाएं से मैं जुड़ा हुआ हूं तो हम नकली हाथ की व्यवस्था करवा देते हैं। जब मैं तो वो दूर दूर जाने लगा। जब मैंने उसका मैं समझा कि यार ये शायद नाटक कर रहा है तो मैंने उसका कुर्ते के वहाँ से हाथ टटोलना चाहा तो उसको हाथ पकड़ में आया। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो ऐसा झपटा मार के रेलिंग कूदते हुए भागा कि जैसे कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। उसी के साथ जो भी भीख मांग रहे थे छोटे बच्चे से जो मंगवा रहे थे वो भी तुरंत चौराहे से गायब हो गए। जब मैंने इमाजी थाने के जो बीट वाले जवानों को जब बताया तो उनकी मदद से जब पकड़ा उसे तब लोग जागरूक हो इस मकसद से एक उसका वीडियो बनाया जिसमें वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है साथ ही दिव्यांग बनकर जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो जब उसे मैंने समझाया कि आप ये कितना गलत कर रहे हो क्योंकि आप 25 साल के हो और आप कमा भी सकते हो और अपने जो भी बच्चे हैं उनका पेट पाल सकते हो लेकिन वो ये नहीं करना चाहते क्योंकि इस तरह से भीख मांगने में सिग्नल में हर कोई व्यक्ति 2-3 रुपये तो नहीं देता 5-10 रुपये दे ही जाता है और दिन भर में करीब 1-1.5 हज़ार रुपये आसानी से हो जाएंगे। बच्चा जितना छोटा हो उतने ज़्यादा पैसे इनको मिलते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग इनके तरीके हैं। जब थोड़ा सा उसे कठोरता से हमने पूछा तब उसने बताया कि पहले वो दिल्ली तरफ वो मांगते थे लेकिन दिल्ली में इस तरह की उनकी जो चालाकी है वो पकड़ में आ चुकी थी इसलिए ये भाग के इंदौर तरफ आ गए और अलग अलग चौराहों पर ये इस तरह का वो कर रहे हैं। तो फिर ये जो MIG पुलिस है उसके हवाले किया और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कृपया जरूर असहाय की मदद करें जरूरतमंद की मदद करें। ये मानव धर्म है हमारा एक व्यक्ति का धर्म है लेकिन जो असहाय बनने का ढोंग करें उसको एक्सपोज भी करें ताकि जो आपकी जो गाड़ी कमाई है जो भी आप दान दे रहे हैं वो गलत हाथों में ना जाए। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।